आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को बताऊंगी कि आपकी गर्भावस्था के 15वें सप्ताह में आप में क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके गर्भस्थ शिशु में क्या बदलाव आने वाले हैं, और इन दोनों सवालों के साथ में एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, यानी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण सवालों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी समस्याओं के बारे में बात करने से पूर्व आज हम जानेंगे कि आपके गर्भस्थ शिशु में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, जो आपकी बच्ची का विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसका वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जहाँ आपका पिछले सप्ताह में आपका जो गर्भस्थ शिशु था वो एक बंद मुट्ठी के समान था, तो इस सप्ताह के आते आते आपका गर्भस्थ शिशु एक बड़े आकार के संतरे जितना हो गया होगा। अगर उसके वजन की बात करें तो 70 से 80 ग्राम के समथिंग उसका वजन है और उसके सारे अंग लगभग डेवलप हो गए हैं, सिर्फ उसके मस्तिष्क का विकास अभी तक नहीं हुआ है। मस्तिष्क का विकास जन्म के उपरांत भी 3 साल तक होता रहता है और आपका गर्भस्थ शिशु कई सारे काम भी करता है जो कि उसको जन्म के उपरांत बाहर के वातावरण में जीने के लिए सुलभ बनाते हैं। तो उन्हीं कार्यों में से सबसे पहला जो है वो है आपके बच्चे द्वारा हाथों पैरों को हिलाना। वो अपने हाथों पैरों को फुल्ली मूव करता है और वो कभी कभी आपके गर्भाशय में पूरा राउंड मूव हो जाता है, यानी कि सपोज दैट सुबह टाइम अगर उसके पैर ऊपर थे तो हो सकता है शाम तक उसका सर ऊपर और पैर नीचे हो जाए, यानी कि वो फुल्ली मूव करता है। वो निगलना भी सीखता है, आँखों को खोलना और बंद करना भी सीखता है, प्रकाश और अंधेरे में वो डिफरेंस करना सीखता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गर्भवती महिला, यानी कि वो अपनी माँ की आवाज़ पर प्रतिक्रियाएं देता है, माँ की आवाज़ को वो सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। जन्म के उपरांत वो इसी समझने की क्षमता से ही वो अपने माँ की आवाज़ में डिफरेंस कर पाता है, वो बाकी लोगों और माँ की आवाज़ के बीच में वो अंतर कर पाता है। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी वॉइस करते हैं, आप बहुत धीमे स्वर में भी बोलते हैं तो बच्चा उसको भी सुनता है, बच्चा गर्भ में सोता भी है, बच्चे की जो किडनी है वो यूरिन बनाना प्रारंभ कर देती है और इसी के साथ में बच्चा हंसने जैसी रोने जैसी कई सारी प्रतिक्रियाएं अपने फेस पर भी ला सकता है। तो ये थे आपके बच्चे के विकास के बारे में कुछ लक्षण और उसका विकास कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए अब बात करते हैं आपके बारे में, यानी कि गर्भवती महिला की समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जहां नोजिया या वोमिटिंग इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिलता है, तो नई समस्याएं भी आपके जीवन में दस्तक देती हैं और उन्हीं समस्याओं में से है आपकी सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, कब्ज, कई सारी महिलाओं को मसूड़ों में सूजन और खून आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी स्किन पर ज़रूरत से ज़्यादा इचिंग हो सकती है, कई सारी महिलाओं को सामान्य रहती है, आपके सिर में आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपके कूल्हों में आपको दर्द फील हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के साथ में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव आया है, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण, हार्मोन्स के चेंज होने के कारण कई सारी महिलाओं में जो सेक्स ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहीं इसके विपरीत कई सारी महिलाओं में सेक्स ड्राइव काफ़ी कम देखी जाती है, नॉर्मल दिनों की अपेक्षा भी उनकी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे मेल पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, वो अपने फीमेल पार्टनर को टॉर्चर करने के बजाय उनके हार्मोन्स लेवल के उतार चढ़ाव के कारण उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं, उनके विचारों में आ रहे परिवर्तन को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो फीमेल पार्टनर होती है वहाँ अगर बाय द वे उनकी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा लो हो गई है तो ऐसे में मेल पार्टनर द्वारा टॉर्चर किया जाता है। तो प्लीज़ आप उनकी समस्याओं को समझें, आप उनके शरीर में आ रहे बदलावों को समझें, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो कितनी सारी समस्याओं से गुजर रही हैं। और कई सारी महिलाओं को भूलने की समस्या भी हो सकती है,
बाय द वे, हम किसी काम के लिए, सपोज दैट हम बेड पर बैठे हैं तो किसी काम को करने के लिए हम खड़े होते हैं और पता चलता है आधी दूर तक जाते जाते ही वो काम हम भूल गए हैं। तो ये कोई लाइफ टाइम बनी रहने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रसव के दौरान ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा इस समय पर केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको चक्कर आने की समस्या को काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, तो आपको ज़रूरत है हर वक्त एक व्यक्ति के साथ रहने की। आप अपने पार्टनर का सहारा ले सकते हैं या फिर घर में कोई और अवेलेबल हो तो उसका सहारा लें। फाइनली आप अकेले रहने से बचें क्योंकि कई बार अगर आपको बाय द वे अचानक से चक्कर आ गया और उस वक्त आपको देखने वाला कोई नहीं हुआ तो हो सकता है, क्योंकि मोस्टली महिलाएं कई बार तो इतना चक्कर तक आता है कि महिलाएं गिर तक जाती हैं, तो अगर आपको कोई हैवी इंजरी हो गई तो फिर ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ आप अकेले रहने से बचें, ये आपकी सावधानियों में से ही एक पार्ट है कि आपको अकेले नहीं रहना है। आप हर वक्त किसी ना किसी के साथ रहने की कोशिश करें, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, घर का कोई और सदस्य भी हो सकता है। और बात करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एट फर्स्ट जो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो है कि आप हैवी काम काज करने से बचें, जो ज़्यादा मेहनत वाले काम हैं उनको करने से बचें, क्योंकि महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी घर के काम काज करने होते हैं। तो मोस्टली महिलाएं कपड़े धोती हैं और कपड़े से भरा हुआ टब या फिर बाल्टी उसको आप उठा लेते हैं, तो कोशिश करें कि इन सब कामों को करने से बचें। और अगर फिर भी आपको करना पड़ रहा है तो एक साथ आप कपड़ों से भरा हुआ टब, कपड़ों से भरी हुई बाल्टी को उठाने से बचें, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको उठाएं और अचानक से आगे की तरफ झुकने वाले कामों को भी स्किप कर दें। आप कोशिश करें कि एक साथ भरपेट भोजन ना करें, आप थोड़ा थोड़ा सा फूड लें, आप लाइट फूड लेते रहें और हर थोड़े समय के अंतराल के बाद आपको भोजन लेना है। ये आपकी सीने में जलन की समस्या से आपको राहत दिलाएगा, कब्ज की समस्या से आपको राहत दिलाएगा, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने शरीर का हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। आप बॉडी को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। आप अपने बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। आप कोशिश करें कि हर वक्त बेड रेस्ट करने से भी बचें। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो फिर आप अपने गायनिक की कंसल्ट के हिसाब से करें, अदरवाइज आप नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आप वॉकिंग सबसे बेस्ट है। आप टाइमर लगाने के बाद कोशिश करें कि सुबह 25 से 30 मिनट और शाम को 25 से 30 मिनट और खाना खाने के उपरांत 10 से 5 मिनट आप वॉक करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इनएक्टिव ना रहें, क्योंकि कई बार महिलाओं को कंसीव होता है, अगर आपका फर्स्ट टाइम बेबी होगा तो घर वाले भी बहुत केयर करते हैं, पार्टनर भी बहुत केयर करता है और हमें मोस्टली काम नहीं करने दिए जाते हैं। तो ऐसे में कई सारी महिलाएं आप फ़ोन चलाते रहते हैं दिन भर या फिर बेड रेस्ट करते रहते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं सी सेक्शन की ओर ले जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सी सेक्शन ना हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो प्लीज़ आप 9 मंथ तक इनएक्टिव ना रहें। आप कोशिश करें कि जिस दिन आपकी डिलीवरी हो उस दिन तक भी आप वॉक करें। और सबसे ज़रूरी, आप अपने बच्चे की केयर को लेके या फिर आप अपनी डिलीवरी को लेके या फिर कई सारी निजी जीवन के चलते कई सारी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनके चलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो प्लीज़ हम आपसे कहेंगे कि जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है, तो उन भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए आप अपना वर्तमान खराब ना करें। आप अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाएं, अपने बच्चे के साथ कनेक्टिविटी करें। आप अपने बच्चे को, आप बेली को सहला सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे से बात करने की कोशिश करें, हालांकि आपको लग रहा है कि वो क्या भी बात कर सकता है, परंतु नहीं, जब आप अपने बेली को सहलाएंगे तो वो उसकी प्रतिक्रियाएँ भी महसूस करता है। आई होप कि आज की इस वीडियो से मैं दिव्या आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाई होंगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको वाकई आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो अपने सभी गर्भवती महिलाओं के साथ, अपने सभी गर्भवती फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपको 16वें सप्ताह के साथ
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।